आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द। पूछा गया कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से डिफर करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का एक इमेज है और न्यूक्लियोटाइड का इमेज है। तो बेसिकली जो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं वो होता है कि न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजीनस बेस और उसके बाद जो शुगर रहता है, यानी जिसको कि हम लोग पेंटोज या हेक्सोज के नाम से जानते हैं। और नाइट्रोजीनस बेस के साथ जब ये अटैच रहता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। और न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये चेन फॉर्म करते हैं इनसाइड। और यही लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक फॉर्म करता है जो कंपाउंड होता है या फिर चेन होता है जो कि हमें देखने को मिल जाती है। तो इसी से क्या होता है कि फिर डीएनए और आरएनए जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर होता हुआ पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो कि डिफरेंस होगा वो हो जाएगा कि एक सिंपल फॉस्फेट ग्रुप। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑल दिस हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, जो कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है। बाकी अगर देखा जाता है तो शुगर बेस दोनों में पाए जाते हैं। पेंटोज जो है वो शुगर है, नाइट्रोजीनस बेस भी यहाँ पे दोनों में ही पाया जा रहा है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप जो है ये भी दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो करेक्ट आंसर जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।